तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड फ्रॉम बोल्ट फिट। ये है उनका रेड वाला कलेक्शन विच इज़ 7 to 15 kgs। ये बाय द वे अमेजोन बेसिक्स वाला है, इसको नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे, ठीक है। आज हम इस रेड वाले को ही रिव्यू करते हैं। तो गाइस ये बोल्ट फिट का एक लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बैंड है। जैसे आप देख रहे हैं ये 7 to 15 kgs है। दीज रेजिस्टेंस बैंड आर वेरी वेरी गुड इन माई ओपिनियन। इसको आप, मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ, इसको आप जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं एंड ये कभी भी नहीं टूटेगा। इसके पीछे जो रीज़न है, दीज रेजिस्टेंस बैंड आर मेड फ्रॉम लेटेक्स। अब लेटेक्स एक रबर का ही फॉर्म है जिसको आप जितना भी पुल करें, लुक एट हाउ मच आई एम पुलिंग, बट ये स्ट्रेच होगा, ये कभी भी फट नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस बैंड के साथ सबका सबसे बड़ा एक यही फियर रहता है कि भाई अगर ज़्यादा पुल किया तो फट तो नहीं जाएगा। मैं आपको एक बार पुल करके दिखा देते हो कि कितना स्ट्रेच होता है। लेट्स डू अ स्ट्रेच टेस्ट ऑफ दीज बैंड्स, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, ये कितना स्ट्रेच हुआ। देखिए यार कितना स्ट्रेच हो रहा है। इन दिस पोजिशन दिस इज अराउंड 15 kgs ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर आप एकदम कम स्ट्रेच करेंगे, जैसे अगर आप इतना स्ट्रेच करेंगे, देन दिस इज अराउंड 7 kgs ऑफ रेजिस्टेंस। जितना आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इससे। अनदर गुड थिंग है इसकी, आपको इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम लग सकता है बिकॉज ये उनका एकदम लो रेजिस्टेंस वाला है। तो अब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे पैर से डबल कर सकते हैं एंड नाउ यू आर रिसीविंग 30 kgs ऑफ रेजिस्टेंस एट द टॉप इंस्टेड ऑफ जस्ट 15 kgs। हाउएवर गाइज, अगर आप एक ऐसा रेजिस्टेंस बैंड खरीद रहे हैं फॉर वर्किंग आउट, मैं बेसिकली गाइज रेजिस्टेंस बैंड वार्म अप के लिए यूज़ करता हूँ, बट अगर आप इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आपका एक से नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको रेजिस्टेंस बैंड के कलर्स के अकॉर्डिंग कितना रेजिस्टेंस रहता है बता देता हूँ। पहले आता है एक येलो वाला, वो यूजुअली 3 to 7 kgs होता है। देन होता है आपका एक रेड वाला, दिस इज अराउंड 7 to 15 kgs। इसके बाद आपका आता है एक ब्लैक वाला विच इज़ 15 to 30 kgs। इसके बाद आता है ऐसा एक पर्पल वाला, दिस इज़ नॉट फ्रॉम बोल्ट फिट, दिस इज फ्रॉम अमेजोन बेसिक्स, बट ऐसा एक पर्पल वाला बोल्ट फिट का भी आता है, दैट इज़ अराउंड 30 to 45 kgs ऑफ रेजिस्टेंस। एंड लास्टली आता है एक ग्रीन वाला, दैट इज़ अराउंड 45 to 60 kgs ऑफ रेजिस्टेंस। उसके ऊपर भी होता है बट यूजुअली यही 5 कलर्स होते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस बैंड खरीदने की सोच रहे हैं, द 3 कलर्स दैट आई रिकमेंड यू टू बाई आर नंबर 1 अ रेड वन, नंबर 2 अ ब्लैक वन, एंड नंबर 3 अ पर्पल वन राइट हियर। मैं एक ब्लैक वन बहुत ही जल्दी खरीदने वाला हूँ बाय द वे। दैट इज़ बिकॉज इन 3 रेजिस्टेंस में ज़्यादातर लोगों का ज़्यादातर एक्सरसाइज आई गेस हो जाएगा। अगर आपको 45 kg के ऊपर भी रेजिस्टेंस चाहिए, देन गाइज यू हैव टू बाई बारबेल वेट प्लेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। रेजिस्टेंस बैंड से आप उससे ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए एक्सपेक्ट मत कीजिए। अमेजोन पे बहुत बहुत ढूंढने के बाद मुझे 3 रेजिस्टेंस बैंड की कंपनीज मिली है। नंबर 1 इज़ बोल्ट फिट, नंबर 2 इज अमेजोन बेसिक्स, और नंबर 3 इज अ कंपनी कॉल्ड स्लोविक। इन 3 के रेजिस्टेंस बैंड की स्टैंडर्ड आते हैं एंड इन 3 पे ही बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन मैं मैक्स स्लोविक का वाला भी खरीदने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को एक कंपेरिजन वीडियो चाहिए बिटवीन बोल्ट फिट, अमेजोन बेसिक्स एंड स्लोविक, लेट मी नो, आई विल मेक वन। बट एटलीस्ट फॉर नाउ गाइज आई हाईली हाईली रिकमेंड यू टू गो बाई दिस रेजिस्टेंस बैंड फ्रॉम बोल्ट फिट। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 3 कलर में आपको खरीदना है, नंबर 1 रेड, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 पर्पल। पर्पल आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, अगर उतना स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, पर्पल आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, बट रेड और ब्लैक आपको खरीदना ही है। एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस बैंड खरीदना है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वर्किंग आउट विथ इट। अगर वार्म अप करना चाहते हैं देन सिंपली एक ऐसे से ही हो जाएगा। दिस अमेजोन बेसिक रेजिस्टेंस बैंड इज गुड, बट यार मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया। ये क्यों है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फॉर नाउ अगर आपको रेजिस्टेंस बैंड खरीदना है, ब्लाइंडली गो विद बोल्ट फिट। आई रियली रियली लव दिस रेजिस्टेंस बैंड यार। ये मेरे को अराउंड आई गेस 550 रुपये का पड़ा, और 550 रुपये में इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी रेजिस्टेंस बैंड। आई हाईली हाईली रिकमेंडेड। अब अगर आपको मेरे जिम में और भी कुछ पसंद आया, जैसे कि ये पीछे स्क्वाट रैक, ये बारबेल, ये वेट प्लेट्स, इन सब का आपको रिव्यू देखना है, देन गो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट राइट हियर। यहाँ पे आपको सब कुछ का रिव्यू मिल जाएगा। बाय बाय।